नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। छत्तीसगढ़ में सियासी दृष्टि से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर बाद अंबिकापुर पहुंच रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक पंडितों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मंत्री सिंहदेव कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं। वैसे टीएस सिंहदेव इस मुद्दे पर कई बार अपनी बात सामने रख चुके हैं। उनका कहना है कि भूपेश बघेल टीम के कप्तान हैं और हम सब खिलाड़ी, कप्तान सबको साथ लेकर चलता है और खिलाड़ी उसका अनुसरण करते हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल आज शाम 4 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे, जहां अंबिकापुर में उनके कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले वे मां महामाया मंदिर जाएंगे, इसके बाद आदिवासी सम्मेलन में लोगों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ संस्थाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं। इसके बाद अंबिकापुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह मीडिया से चर्चा करेंगे। वैसे तो सिंहदेव पूरे सरगुजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर अंबिकापुर उनका अपना विधानसभा है। प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री अगर किसी मंत्री के क्षेत्र का भ्रमण करता है तो मंत्री को मौजूद रहना जरूरी है। अगर सिंहदेव आज के सीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो समझा जा सकता है कि सियासी रिश्ते पर जमी बर्फ का पिघलना मुश्किल है। सियासी जानकार यह मानते हैं कि इसके बाद पार्टी के दोनों ध्रुव में टकराव और बढ़ेगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंबिकापुर दौरे में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचते हैं या नहीं। इन बातों से आने वाले दिनों के सियासी तालमेल स्पष्ट हो जाएंगे और यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि क्या वाकई में सियासत के जय वीरू कहे जाने वाले भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच अभी भी कुछ गड़बड़ है, कुछ रिश्तों में खटास है या उनके मतभेद समाप्त हो गए हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।